हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैटकैम सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो एनएक्स पे करने वाले हैं वो शीट मेटल की सेकंड ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। इसमें हमने टैब, फ्लैंज, कंटूर फ्लैंज, हेम, लॉफ्टेड, जॉग और बैंड ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ से ब्रिज बैंड के लिए। तो ब्रिज बैंड के लिए हमने एक बेस तो ऑलरेडी बना रखा है, एक बेस हमें और चाहिए। उसके लिए हमने एक प्लेन ये ऑफसेट करके बना लिया। अब स्केच लेते हैं और इस प्लेन पे जाइए और इस पे जाके एक बेस प्लेट और बनाते हैं। ये हमने बनाया और ये करा फिनिश। और यहाँ से लीजिए टैब, इसको भी आप टैब ले लीजिएगा। और यहाँ से सेकेंडरी की जगह बेस ही रखिएगा आप इसे, ये तभी बन पाएगा। और ओके कर देते हैं। इसमें जो प्लेन है इसको हम हाइड कर देते हैं और जो कर्व है उसको भी हाइड कर देते हैं। अब हमें यूज़ करना है ब्रिज बैंड। ब्रिज बैंड के लिए यहाँ पे जी एन यू ट्रांजिशन आ रहा है, इसके लिए आप चेंज करके कर दीजिए फोल्ड। फोल्ड ट्रांजिशन में फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड ये नीचे वाला कर्व और स्पेसिफाई पॉइंट हमने ये ले लिया। रिवर्स कर दीजिए डायरेक्शन और ट्रैक करिए। तो इस टाइप से हमारा फोल्ड बन जाएगा। इसी को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको यू यू वाली शेप में मिल जाएगी। वैल्यू कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी के अंदर एक जी वाला आता है, इसे हमने अप्लाई करा और कैंसिल करते हैं। इस टाइप से बन गए, इसे मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा से जाते हैं और यहाँ से लेते हैं ब्रिज। ब्रिज बैंड में पहले लिया हमने ऊपर वाला ये और सेकंड हमने लिया इधर वाला एज और स्टार्ट पॉइंट इसका ये ऊपर का और इसकी डायरेक्शन कर दीजिए फ्लिप, अंदर की तरफ आ गया और कहाँ तक इसको लेना चाहते हैं। तो ये ब्रिज हमारा बन जाएगा दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, उसमें जी या यू ट्रांजिशंस आप ले सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है और ओके कर दीजिए। ये हमारा ब्रिज बन जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वह है क्लोज कॉर्नर। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्लैंज लेते हैं और इस एज पे क्लिक किया, एक फ्लैंज हमारा ये हो गया। और एक इस एज पे क्लिक करिए, एक फ्लैंज हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये क्या करने वाला है, क्लोज कॉर्नर जो इन दोनों के बीच में कॉर्नर है इस कॉर्नर को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जाएंगे क्लोज कॉर्नर और सेलेक्ट एडजेसेंट बैंड्स, एक ये हो गया और एक ये, दोनों को सिलेक्ट किया। इस टाइप से हमारा रिजल्ट आ रहा है, प्रीव्यू करके देखिए ऐसा आ रहा है। फिर यहाँ पे ओपन की जगह हम लेते हैं क्लोज्ड, तो क्लोज्ड में इस टाइप से आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो जो चीट ली है, दो हमारे फ्लैंज हैं, उन फ्लैंज के बीच में जो वो मीट करेंगी तो वहाँ पे कॉर्नर कैसा आएगा उसके लिए ऑप्शन है सर्कुलर कटआउट। तो एक सर्कुलर यहाँ पे कटआउट आएगा और ये कितने का होना चाहिए, ये सिक्स का होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये सर्कुलर कटआउट सिक्स का हो जाएगा। फिर हम यहाँ से सर्कुलर कटआउट किएगा यू वाला लेना चाहते हैं, यू ले लीजिए। कितने का चाहिए, 12 का चाहिए, ये 12 का हो जाएगा। यू नहीं चाहिए, वी चाहिए तो वी शेप हो जाएगी। यहाँ से रेक्टेंगुलर लेना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर ले लीजिए। कितना चाहिए, 11 और 11, तो ये इस टाइप से आ जाएगा कटा हुआ और ठीक लगता है। तो आप इसे ओके कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। प्रीव्यू करना चाहते हैं प्रीव्यू कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। ये हमारा क्लोज कॉर्नर हो जाएगा। एक यहाँ पे है ब्रेक कॉर्नर। ब्रेक कॉर्नर क्या है, ये बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है जैसा हमने ब्लेंड यूज़ किया था पार्ट डिज़ाइन में। 12 को आ जाएगा, अप्लाई कर दीजिए, ओके हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड के बाद फिर यहाँ से चैम्फर है, चैम्फर लेके क्लिक करिए। कितना चाहिए हमें, 12 का, प्रीव्यू 12 आ जाएगा, कटा हुआ आ जाएगा 12 का। ओके लगे करिए, ओके लगता है तो ओके कर दीजिए। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास यहाँ से बैंड टेपर। जो बैंड है उसको टेपर करने के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली शो हो पाए। अभी अगर आप देखेंगे तो ये बैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेते हैं बैंड टेपर, फेस सेलेक्ट करिए, बैंड सेलेक्ट करिए और साइड एक ईयरी एक साइड ईयरी, आप इसको बोथ ले सकते हैं या सिमेट्रिक ले सकते हैं। सिमेट्रिक ले लेते हैं, सेम ही आएगा। एंगल कितने का चाहिए, 15 डिग्री का लेते हैं। अब प्रीव्यू,
तो देखिए ये 15 डिग्री पे अंदर की तरफ टेपर आ जाएगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल आ जाएगा टेपर। यहाँ से लीनियर की जगह आप टेंजेंशियल लेंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, स्क्वायर तो आगे का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लीनियर स्क्वायर टेंजेंट, ये ऑप्शन है इसके अंदर। टेंजेंट लिया तो टेंजेंशियल आ जाएगा। टेपर की डिस्टेंस यहाँ से वैल्यू आप ला सकते हैं, यहाँ से हमने लिया 11 अब प्रीव्यू, तो 11 के आप आ जाएगा और ठीक लगता है तो अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई, देखिए ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसे बैंड टेपर को एडिट करते हैं, और एक ऑप्शन और यहाँ पे वेब का है, आप वेब में जाइए और यहाँ से लीजिए फेस, तो जो फेस है वो फेस भी आपके टेपर आ जाएंगे, टेपर एंगल 5 डिग्री पे इस टाइप से आ जाएगा और ठीक लगता है। ओके कर दीजिए, ये हमारा बन जाएगा बैंड टेपर। इसके बाद हमारे पास आता है कि नॉर्मल कट। नॉर्मल कट के लिए यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसा ही है जैसे हमने कट किया है। तो शीट मेटल में कट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसे कट कर पाएंगे। पैटर्न करना चाहते हैं, यहाँ से पैटर्न का भी सेम वही ऑप्शन है। एक यहाँ पे अनबैंड का ऑप्शन है, अनबैंड पे जाइए, सिलेक्ट करिए फेस को, स्टेशनरी फेस हम इसको रखते हैं, और बैंड कौन सा है इसे हमने क्लिक किया, और प्रीव्यू करके देखिए तो ये आपका अनबैंड हो जाएगा। शीट थी उसको अनबैंड कर सकते हैं। रीबैंड लेना चाहते हैं, रीबैंड लीजिए, सेलेक्ट करिए फेस को, ये वाला फेस है जिसको वापस से हमें बैंड करना है, ये वापस बैंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल हमारे पास बैंड प्लान्स थी, उसे अनबैंड किया, बाद में फिर रीबैंड कर दिया। अभी भी यहाँ पे हमारे पास है रीसाइज बैंड रेडियस, जो बैंड है उसका रेडियस आप चेंज करना चाहते हैं, क्लिक किया हमने, ये बाय डिफॉल्ट 3 का आ रहा है, हमें 3 का नहीं चाहिए, हमें 8 का चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो ये 8 का शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा आ रहा है, क्लिक करिए, और 8 का नहीं चाहिए, 12 का चाहिए, तो ये 12 का चेंज हो जाएगा और ओके। बैंड को भी चेंज कर पाएंगे। एंगल चेंज करना चाहते हैं बैंड, क्लिक करिए, और ये स्टेशनरी फेस ले लिया हमने, तो ये तो गड़बड़ हो गया, इसे हटा देते हैं, ऊपर वाले पे जाइए, और ये नहीं, स्टेशनरी फेस हम नीचे का रख लेते हैं, और बैंड ये वाला है, एंगल 90 का था, 90 से कुछ कम 65 ले लेते हैं, और ओके, तो 65 के एंगल पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ से जाइए, और नेचुरल फैक्टर है ये, इसे तो रहन देते हैं अभी, और ये है फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न लेके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रीव्यू ये पूरा ओपन हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए ओपन होने के बाद, अनबैंड होने के बाद फ्लैट कैसा होके दिखाई देगा वो आपको ये शो कर देगा, फ्लैट पैटर्न। ओके कर दिया, ये हमारा फ्लैटन पैटर्न है, ये आपको डबल क्लिक जब करेंगे तो शो करेगा, यहाँ से डबल क्लिक, ये फ्लैट पैटर्न। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हमारे ये बचे हुए हैं और कुछ यहाँ से बचा हुआ है, तो अब मोर में जाते हैं। मोर में हमारे पास एडवांस प्लान है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक जूम करते हैं और इस एज को सिलेक्ट किया, और जूम करिए इस एज को भी सिलेक्ट किया, ये मेरा राउंड हो गया है 12 का, इसे कुछ और ज़्यादा कर देता हूँ 16 का करके, ओके करते हैं। अब अगर आप यहाँ से फ्लैंज लेते हैं और क्लिक करेंगे तो कुछ फ्लैंज ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें यूज़ करना है यहाँ से एडवांस फ्लैंज, और एडवांस फ्लैंज लेके आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ये जो टेंजेंशियल फेस है उन सबको टच करता हुआ ही जाएगा, और एंगल आपके पास है ही, आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ले सकते हैं, ये एडवांस फ्लैंज का फीचर है। देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, और प्रीव्यू करना चाहते हैं प्रीव्यू कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ओके हो जाएगा एडवांस फ्लैंज। अंडू करते हैं एक बार और, यहाँ पे हमने इसे फ्लिट कर दिया ताकि ये टेंजेंशियल एजेस इसको मिल जाएं, फिर मोर में जाएंगे और एडवांस फ्लैंज लीजिए, और किसी भी एक एज पे करेंगे तो टेंजेंशियल सारी एज पे आएगा, आप लेंथ और एंगल चेंज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए, ओके हो जाएगा।
एक ऑप्शन इसका और है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पूरा हटाना पड़ेगा, हटा दिया, डिलीट, और ये वाला जो एडवांस प्लान है इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया, और ये कटआउट इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक किया स्केच, और यहाँ से मैं एक आर्क ले लेता हूँ, क्लिक और फिनिश करिए। और फिर यहाँ से अगर आप जाएंगे मोर, और यहाँ पे एक्सट्रूड भी दिया हुआ है, और इस वाले कर्व को मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरा एक्सट्रूड हो गया है, ठीक है सर। अब इसके बाद हम जाते हैं और यहाँ से आते हैं एडवांस फ्लेंज। एडवांस फ्लेंज में जाके विद रेफरेंस का है, टू रेफरेंस, पहले आप सेलेक्ट करिए एज को, एज सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस फेस हमारा ये वाला है, और उसी के रेफरेंस से शीट आगे बढ़ जाएगी और ये आपको 44 का हमने ये ले लिया। और प्रीव्यू, तो ये बन रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखना चाहते हैं, कैंसिल करते हैं, एक कर्व बनाया, उसको एक्सट्रूड कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाइए और एडवांस फ्लेंज लेंगे। एडवांस फ्लेंज के लिए पहले एज को सिलेक्ट करिए, एज को सिलेक्ट करने के बाद आता है रेफरेंस, और फिर रेफरेंस में आप जाके फेस को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से लेते हैं हम 45 और फिर ओके। तो ये हमारा बन जाएगा। इस वाले को चाहते हो अगर आप, तो हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। तो ये आपका जो फ्लेंज है विद रेफरेंस टू फेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और बाकी के बचे हुए ऑप्शंस के साथ। थैंक यू सो मच।